अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शाजिया अरशद। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। सबसे पहले शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से कुछ मुख्तसर खबरें देसी टीवी यूएसए इंटरनेशनल में। इसराइल की हठधर्मी, फलस्तीन में जंगी जराइम की तफ्तीश में तावन से इनकार। आलमी फौजदारी अदालत ने फलस्तीन में जंगी जराइम की तफ्तीश का ऐलान किया है। ईरान ने जनूबी कोरिया के बहरी जहाज को अमले समेत आजाद कर दिया। ईरान ने बहरी जहाज को जनवरी में तहवील में लिया था। तेज रफ्तार बाइक पर सेल्फी का जुनून नौजवान की जान ले गया। हम कानून के मुताबिक मोटरसाइकिल चलाने वाले के खिलाफ तेज रफ्तारी का मुकदमा दर्ज करेंगे पुलिस। बदबख्त बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई को हथौड़े के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क में क्या हो रहा है जानते हैं देसी टीवी यूएसए नेशनल में। बल्क की आड़ में 8 करोड़ के ममनुआ इंजेक्शन अमेरिका भेजने की कोशिश नाकाम। $6,000 मालियत के एलईडी बल्ब पर मुश्तमिल 275 कार्टन की खेप रोक दी गई। 52.6 किलोग्राम कैटामाइन इंजेक्शन बरामद। हुकूमत का आसिम अहमद को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने आसिम अहमद को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीआईए ने रमजानुल मुबारक में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को रोजा रखने से रोक दिया। चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन अरशद खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर की गलियों में इमरान खान और सरबरा पाक फौज के पोस्टर्स चस्पा। पोस्टर्स पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर के अलावा उनके बयानात भी तहरीर किए गए हैं। और अब देसी टीवी यूएसए अजीबोगरीब दुनिया। जुगनुओं की अल्ट्रासोनिक ढाल उन्हें चमगादड़ों से बचाती है। जुगनू अपने परों की फड़फड़ाहट से अल्ट्रासोनिक लहरें पैदा करते हैं जिन्हें चमगादड़ें सुन लेती हैं और उनसे दूर रहती हैं। और अब देसी टीवी यूएसए सेहत। रात को बेवक्त खाने से अगले दिन कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। रात के वक्त खाने पीने से एक जानिब सेहत खराब हो सकती है तो दूसरी जानिब इंसानी नफ्सियाती कैफियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। और अब देसी टीवी यूएसए साइंस एंड टेक। जले हुए बालों से मजबूत शमसी सेलों की तैयारी। इंसानी बाल को जलाकर उसके क्वांटम डाइस से प्रोबिस्काइट शमसी सेलों को मजबूत और मौसर बनाया जा सकता है। और अब कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए बिजनेस में। डॉलर के नर्ख 153 रुपए से भी नीचे आ गए। डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 7 पैसे की कमी से 152.94 रुपए पर बंद हुई। आइंदा माली साल के लिए टैक्स आमदन का तखमीनी हदफ 60 खरब होगा। हुकूमत ने IMF शराइत पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया। बिजली 5.65 रुपए यूनिट महंगी, 600 अरब इजाफी टैक्स लगेंगे, जायजा रिपोर्ट। और अब देसी टीवी यूएसए शोबिज। गुलुकारा मिशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मारूफ भारतीय फिल्मसाज की अहलिया और बेटी ने खुदकुशी कर ली। भारतीय फिल्मसाज ने सनी देओल की फिल्म गदर और घातक समेत मुतादद फिल्म्स बनाई है। और अब खेलों की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी यूएसए स्पोर्ट्स में। फखर जमान की बीमारी के बाद क्रिकेट में वापसी शानदार रही। यूनुस खान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस पर रन्स बनाना आसान नहीं होता। T20 सीरीज, फखर जमान मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग के लिए तैयार। नई गेंद का मेरिट पर सामना किया। सेट होने के बाद नेचुरल अंदाज से खेला ओपनर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।